मामला छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के गंज का है, जहां शासकीय स्कूल में दिन दहाड़े बदमाशों ने आतंक मचाया और स्कूल में शिक्षक और छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की। आपको बता दें कि बदमाशों के गुंडागर्दी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें गुंडे स्कूल के कंप्यूटर टीचर अनिरुद्ध शुक्ला के साथ जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित टीचर ने बताया कि बदमाश हाथ में कट्टे लिए थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। आज हमारे साथ देवगांव के कुछ गुंडे आए थे, मुंह में ठट्टी बांध के डंडा कट्टा तलवार सब लेके हमें उन्होंने मारा है। हमारा ये हाथ टूट गया है, सिर पे भी चोट आई है और बच्चियों को गेट बंद करके पूरी बच्चे क्लास लगी है, ऑनलाइन क्लास चल रही, कैमरा में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सहित पूरी उन्होंने हमें मारा है और स्कूल की बच्चियों के गले दबाए, किसी को मारा, किसी को लात मार दी, किसी को डंडा मार दिया। कौन कौन लोग थे वहाँ पर? थे सर करण शर्मा, देवगांव के लड़के थे सर। कौन? करण शर्मा, छोटू शर्मा, संजू के सारे, संजू और दीपक कुशवाहा। आज जैसे हम क्लास में बैठे, मौसी बोल लोग आए और गला पकड़ के हम लोगों को क्लास में बैठ कर लठ मारा सर को, और हमको भी क्लास में बंद कर दिया था हमने। कितने लोग थे, कौन कौन थे? वो 7 लोग थे। कौन कौन लोग, नाम बताओ? नाम नहीं हमको पता। आज भी जब यहाँ लगभग 11:30 बजे विद्यालय में आया तो मैं अपना गेट खोल के अपना बैग रखने लगा, तब तक बच्चे चिल्लाने लगे कि कोई मार रहा, कोई मार रहा है। तो मैं बाहर निकल के आया तो कक्ष क्रमांक 3 में 4-5 लोग मुँह बांधे थे, पता नहीं वो कौन है, वो हमारे जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उसको घेरे थे। हमने कहा कि भागो भागो कौन है, तो वो भाग गए हैं। अब उनको पहचान नहीं पाए कि कौन है। क्या हुई उनके साथ घटना, क्या हुई है? जब मैंने उनको देखा था वो घेरे हुए थे उसको। थाना बमीठा निकट गंज में एक जो शासकीय अध्यापक थे उनके द्वारा अपना पंजीबद्ध कराया गया। इसमें स्कूल के छात्रों के बारे में बताया गया कि स्कूल में कुछ लड़के आए थे और उनके द्वारा मारपीट की गई है। इसमें 294/323/506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 4 लोग नामजद आरोपी और अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपी अपराध पंजीबद्ध किया गया।